दिनों पहले एक खबर आपने सुनी होगी कि बांग्लादेश से एक पक्षी जो है वो हजारीबाग में आता है, हजारीबाग के कुछ लोग उसको पकड़ते हैं और उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोग उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और कई सारी जांच प्रक्रिया के बाद उसे फिर छोड़ दिया जाता है उसको, यानी वो अस्वस्थ था, उसको चोट भी लग गई थी, उसके बाद उसको स्वस्थ किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक खबर सामने आ रही है कि जो साइंटिफिक जो धरना ये उसका नियम जो होता है, जो बाज था, जो पक्षी था, उसके विषय में हम सीधे जुड़ते हैं। मुरारी जी हमारे साथ हैं, इनसे क्या वो यानी 200 मीटर जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो अभी उस बाज का क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचा है और क्या है पूरा साइंटिफिक? बांग्लादेश से गिद्ध छोड़ा गया था सैटेलाइट टैग लगा के जून में, वो 45 दिनों बाद हजारीबाग आ गया था और वो बीमार हो गया था हजारीबाग में, तो उसका रेस्क्यू कर करके उसका इलाज कराया गया। वन विभाग और न्यू ह्यूमन फाउंडेशन ने मिलकर उसका इलाज किया और उसको कोडरमा में छोड़ा। कोडरमा में छोड़ने के बाद वो 8 अक्टूबर को वापस बांग्लादेश पहुंच गया, मतलब जहां से छोड़ा गया था वहां वापस पहुंच गया। तो उससे पहले ये धारणा चलती थी कि हजारीबाग प्रोविजनल वल्चर सेफ जोन है, मान्यता यही थी कि आप 100 किलोमीटर के रेडियस में जो उसके मरने की वजह है उसको समाप्त कर दो तो उसकी वृद्धि होगी, लेकिन 100-200 किलोमीटर की जो मान्यता थी कि अधिकतम 200 किलोमीटर जाते हैं भोजन के लिए, ये गलत साबित हो गया। वो वल्चर गिद्ध बांग्लादेश से लगभग 1400 एरियल डिस्टेंस छोड़ दें, जो रुकते रुकते आया था, घूमते फिरते आया था, तो 1400 किलोमीटर की यात्रा करके आया था और लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा कर वापस पहुंचा। पुरानी मान्यता टूट गई कि वल्चर 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाते हैं, अब हम कह सकते हैं नहीं, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा भोजन के लिए करते हैं और वो माइग्रेट करते हैं। जो वल्चर जिसकी बात आप चर्चा कर रहे हैं, वो उसके जो पैर में डिवाइस लगा था, वो क्या डिवाइस था, उससे क्या कैप्चर किया जा रहा था? उसके पीठ पर सैटेलाइट टैग लगा हुआ था जिसमें एक सोलर प्लेट होता है, जिससे सोलर प्लेट से उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और जो उस टैग को लगाते हैं वो अपने कंप्यूटर पे सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग करते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं सर्वर दीपू बांग्लादेश के, उन्होंने कंफर्म किया कि 8 तारीख को वो वापस बांग्लादेश पहुँच चुका है। तो ये जो वल्चर है ये रिसर्च के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जानिए कि वल्चर जो हैं दुनिया से 99% समाप्त हो गई, सबसे खराब स्थिति एशियन कंट्रीज की थी, तो इन एशियन कंट्रीज में तो 99% सिर्फ 1% बचा हुआ था, इसीलिए उसके कंजर्वेशन के लिए काम चल रहा था और उसमें इसीलिए टैग लगाया गया कि वल्चर कहाँ तक जाते हैं, हम लोगों को कंजर्वेशन कहाँ तक करना होगा। तो जैसे हजारीबाग को इसीलिए प्रोविजनल वल्चर सेफ जोन घोषित किया गया था और उसके मरने की जो मुख्य वजह दवाई थी डाइक्लोफेनेक सोडियम, उस पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अब हम लोगों को उससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना होगा, क्योंकि तो पहले हम लोग मान के चले थे कि 200 किलोमीटर रखो वो बच जाएगा, नहीं, आपको फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा, बड़े प्लेटफॉर्म पे और समन्वित प्रयास करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ आपने गिद्ध तैयार कर लिया, वो बड़े हुए और बांग्लादेश चले गए, इस तरह का रिसर्च चल रहा है उसके कंजर्वेशन को लेके? हाँ बिल्कुल चल रहा है, इंडिया के 4 स्थान में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ वल्चर का ब्रीडिंग कराया जाता है, उसके चिक्स को बड़ा किया जाता है और वल्चर प्रजनन करने के लायक होने में उसको 5 साल लगता है, तो 4-5 साल रखने के बाद, 6 साल रखने के बाद उसको जहाँ सेफ जोन मिलता है फिर वहाँ जाके उसको छोड़ा जाता है ताकि वल्चर अपनी पुरानी स्थिति में पहुँच पाए, और उनकी पुरानी स्थिति में पहुँचना जरूरी है इसलिए कि हम लोग जो है कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ जो जानवर मरते हैं उसको हम लोग फेंकते हैं और वो सड़ते हैं, गलते हैं, और वो जो गिद्ध है वो सड़े गले मांस को ही नहीं, उस जानवर के हड्डी तक को खा के समाप्त कर देता है, उसकी अलग अलग प्रजाति है वो जो अलग अलग हिस्सा खाती है, तो वो जरूरी है। और इधर हालिया आप रिसर्च देखेंगे तो BBC ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था कि पिछले 5 से 6 वर्षों में 1,00,000 लोग मरे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों हुआ, उनकी फाइंडिंग्स थी कि वल्चर नहीं है, यानी कि जो जानवर मर रहे हैं, सड़ गल रहे हैं, उससे बीमारी फैल रही है और वो हम तक आ रहा है, उससे ह्यूमन लॉस हो रहा है। तो सोचिए कि एक पक्षी के नहीं होने से ये स्थिति आ रही है, इसीलिए वल्चर के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सहित सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं कि उसको किसी तरह बचाया जाए।
तो हजारीबाग में जो है, हजारीबाग में इनसीतु कंजर्वेशन चल रहा है। इनसीतु का मतलब हुआ कि प्राकृतिक अवस्था में संरक्षण। एक होता है कैप्टिव करके, आप उसको पिंजरे में रख रहे हैं, बड़ा पिंजरा बना लिया उसमें आप उसको रख रहे हैं, तो वो कैप्टिव ब्रीडिंग हुआ। लेकिन यहाँ इनसीतु कंजर्वेशन होता है, प्राकृतिक अवस्था में होता, तो ये अच्छी बात है। प्राकृतिक अवस्था में संरक्षण सबसे बेस्ट होता है, और यही वजह है कि यहाँ से रांची में 2010 में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बनाने की बात हुई थी वल्चर कंजर्वेशन के लिए, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है, अभी उसकी शुरुआत नहीं हो रही हुई है, लेकिन लोग लगे हुए हैं कि कैसे वल्चर को बचाया जाए। चलिए, बहरहाल गिद्ध को बचाने के लिए एक सबसे बड़ी मुहिम अभी लगातार चल रही है, और देसी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका जो रिसर्च है वो लगातार चल रहा है। जो बांग्लादेश से उड़ के जो पक्षी हजारीबाग पहुंचा था वो पुनः बांग्लादेश जा चुका है, वहां के साइंटिस्ट ने ये कंफर्म भी कर दिया है। मैं पीयूष मिश्रा, हजारीबाग का फॉलो अप। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज, ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in